Good morning students, I am your Shraddha teacher. Today I am teaching you maths. In the last period maths we learn number names, right? We learn number names 1 to 99. Now I am teaching you the next number, which is 100. You know everyone how to write the 100, but we will learn more about 100 today. Okay, now look at this picture carefully. ये picture सब लोग carefully observe करना है. क्या है इस picture में? There are some strings of beads and some single beads, right? Now count the beads. In one string there is 10 beads. Okay, we will confirm it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, means एक माला में कितने बिट्स है, कितने मोती है? 10 मोती. ऐसे 10 बिट्स के, 10 बिट्स के कितने स्ट्रिंग्स है वो हम लोग काउंट करेंगे. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने हैं? 9 strings है. ओके, एंड हाउ मेनी सिंगल बिट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टेंस भी 9 है, 9 strings है एंड 9 सिंगल बिट्स है. मतलब ये यूनिट प्लेस में भी 9 है, क्योंकि ये सिंगल बिट्स 9 है. और ये टोटल स्ट्रिंग्स कितने हैं? 9. तो यहाँ पे 10 प्लेस पे भी 9 है, तो ये नंबर क्या हो गया? 99. बट देर इज वन सिंगल बीट, सो यू हैव टू ऐड दिस वन इन दिस 99. सो राइट हियर 99 प्लस 1. नाउ काउंट इट. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. How you will write 10? 0 and carry forward 1 in the tens column. Okay, now count it. 9 plus 1, again 10. Write here 10. What is the answer? 100. 1, 0, 0. Right? This 1, 0, 0. Observe this number. This is 3-digit number. Yes? Look here. See, this is unit place number, which is 0. Then tens place number, which is 0. And this is 100 place number. 1 is in 100 place. So, ये हमें new learn करना है. हमने इससे पहले second standard में देखा है. यूनिट प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर तक हमने टू डिजिट नंबर तक लर्न किया है. नाउ हम लर्न करेंगे 100 प्लेस का नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर के बारे में हम लोग लर्न करेंगे. ओके, सो सबसे स्मॉल 3 डिजिट नंबर क्या है? 100. 100 इज अ स्मॉल 3 डिजिट नंबर. एंड इन नंबर 100 there are 3 places, which is unit, tens and 100. You have to remember it. Okay, now look at this next picture. What is here? There is 2 potlies, means 2 bags, and 100 100. Yahan pe kuch hh likha hai. H means 100. ओके, सो यहाँ पे लिखा है 100, मीन्स ये बैग में 100 रुपीस के कॉइन्स है. एंड इन दिस सेकेंड बैग ऑल्सो हैविंग 100 रुपीस कॉइन्स. देन 100 प्लस 100, 200. हम लोग 100 100 ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? 200. लुक हियर, देर आर 3 बैग्स, सो हियर इट इज 300. नेक्स्ट इज 4 बैग्स, सो 400. 5 बैग्स, सो 500. काउंट दिस. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 है तो यहाँ पे है 900. 9 के यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो वो आएगा 600. ओके, मीन्स अगर ये वन बैग है तो आएगा ओनली 100. 2 बैग्स है तो 200. ओके, मतलब 100 कैसे काउंट करते जाएंगे हम लोग, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900. ओके, यहाँ तक देखना है. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, एक ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दिए और वो भी क्या है, 10-10 के है. ट्रायंगल 100-100 के नहीं है, ट्रायंगल है 10-10 के. अगर आप लोग काउंट करोगे आगे, काउंट दिस ट्रायंगल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल 10 ट्रायंगल्स, मीन्स एक 10 ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में कितने उसका वैल्यू क्या है, टेंस का है. तो ऐसे टेंस के 10 ट्रायंगल है तो 10 टेंस मेक अ 100, दैट इज 100, वी कॉल 100. नाउ लुक हियर, देयर आर 20 ट्रायंगल्स, काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 means 20 tens hai, to 20 tens make 200, that we call 200. 20 tens hai, to 200 hoga. Yahan pe agar 40 hai, to dekho 40 tens hai, to 400. यहाँ पे कितना है, 50 टेंस है तो 500. ऐसे आगे कंटिन्यू होता जाएगा. अंडरस्टूड? लुक एट दिस चार्ट ऑन द पेज नंबर 8. सी, इन द एम्प्टी बॉक्सेस राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. ओके, हियर आर गिवन सम नंबर्स आफ्टर 100, 101. We write like this, 101 we call 101, 102 we call 102. यहाँ पे 100 का एक बॉक्स दिया और 2 दिया, 100 प्लस 2 करेंगे तो होगा 102. 102 में 2 है यूनिट प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस. ये 0 है टेंस प्लेस, तो 0 टेंस के कॉलम में. 1 है 100 प्लेस, तो 100 के कॉलम में. ऐसे उसका बाइफरकेशन दिया है. नाउ वी लर्न मोर अबाउट 103. 103 मीन्स 103. सो राइट हियर 103, सेम लाइक यू हैव टू राइट हियर 104, 105, 106, 107, 108, 109, and 110. ओके, अंडरस्टूड? नाउ ऐसे आगे कंटिन्यू होते जाएगा, 111, 112. ओके, अदरवाइज 111, 112. ऐसे हम लोग आगे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. Now, look here, the next page. यहाँ पे भी आपको कुछ वन चार्ट दिया है, वो आपको सॉल्व करना है. क्या करना है देखो, as shown in the tables, table strings and ring and write number of bits on the right. Write the numbers in figures and in words. Means you have to complete this column and then write the number. Okay, 2 आपके लिए solve करके दिया है already. Now look at this first picture. There are 200s. 200s. So यहाँ पे bits भी कितना लिया है, 100 के column में 2 bits लिया है. Then how many tens? 1, 2, 3, 4, 5 tens. सो यहाँ पे कितना बिट्स दिया है देखो, 1, 2, 3, 4, 5. सिंगल यूनिट्स कितना है, 1, 2, 3, 4. देन 1, 2, 3, 4. सो दिस 2
We write here 2, 5, 5, 4, 4. Then what is this number? 254. 254. Same like here. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है 617 नंबर का. नाउ ये हम देखेंगे कितने हंड्रेड्स है यहाँ पे. हाउ मेनी हंड्रेड्स? 1, 2, 3, 4. सो यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 4 अबेकस बिट्स. ओके यू राइट हियर 4. ओके नेक्स्ट हाउ मेनी टेंस? 1, 2, 3, 3 टेंस. सो राइट हियर 3 टेंस. यहाँ पे भी 3 डॉट्स दिए हैं. नेक्स्ट 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट. सो राइट हियर 1. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? 431. राइट हियर 431. Okay, 431. Now next, look at this picture. How many hundreds here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. How many hundred? 700. So draw here 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, then how many tens? 1, 2, 3, 4. 4 tens. 1, 2, 3, 4. How many units? 2 units. Draw here 2 bits. Okay, now how many hundreds? 700. How many tens? 4 tens. How many units? 2 units. Then what is this number? 742. So write here 742. Okay, understood? ये कैसे सॉल्व करने आपको आया समझ में? आगे के जो क्वेश्चंस है आपको होमवर्क के लिए, आप ये आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है. टेक्स्ट बुक में भी आपको कंप्लीट करना है, अगेन आपके नोटबुक में भी कंप्लीट करना है. अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ डाउट्स है इसमें? फर्स्ट क्या करना है आपको? यहाँ पे कितने हंड्रेड्स है? पहले हंड्रेड्स लिखना है. कितने यूनिट्स है? यूनिट लिखना है. यहाँ पे कुछ टेंस दिया नहीं है, अगर दिया नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो आएगा. ऐसे ही आगे आपको कंटिन्यू करना है. ओके तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, ये 1 पेज आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में. उसके साथ में आपको ये पेज भी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में भी कंप्लीट करना है. ओके चिल्ड्रेन, अंडरस्टूड? What is 100? 100 means unit, tens and 100 means 3 digit number. Okay, now we will meet in the next video. Till then, bye bye my dear students.